अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेज फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आप लोगों को पता है कि रमजान चल रहा है और रमजान के अंदर आपके भाई ने गिव अवे डील्स और एक अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आया है। तो आज भी एक ऐसा अच्छा पीसी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जिसके स्पेक्स काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं और प्राइस काफी ज्यादा कम होने वाली है, क्योंकि ये एक रमजान ऑफर है और एक बेस्ट डील है। तो अगर आप में इसको ये गेमिंग पीसी वो भी बहुत ही कम पैसों में खरीदना चाह रहा है तो ये वीडियो पूरी देख ले। ये पीसी एक ही यूनिट है और आप में से किसी एक ही बंदे को मिलेगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये HP का एक PC आ जाता है जो कि है i5 सेकंड जनरेशन, और इसके अंदर जो हम चीजें लगवाने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसको अपने ICU के अंदर लेटा लेते हैं और इसका जो कैप वगैरह ऊपर से वो रिमूव करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी डील वगैरह है वो क्या है और गेम ये कौन सी सपोर्ट करेगा। तो इसको मैं जल्दी से उतार लेता हूँ। तो सबसे पहले जो हम अपने PC के अंदर लगाने वाले हैं वो 8 GB की दो रैम्स लगाने वाले हैं। ये वाली नहीं होंगी लेकिन ये 8 GB की है, तब मैंने कहा मैं लगा देता हूँ, बता देता हूँ। ये अगर आपको टोटल रैम 16 GB भी चाहिए, मतलब ये कि इस PC के अंदर आपको 16 GB की जो है वो रैम देखने के लिए मिलेगी। रैम को मैं जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ। ओके, तो रैम हमारी यहाँ पर लग गई है। उसके अलावा आपको 128 SSD देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। SSD को भी मैं जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ। और उसके अलावा आपको 500 GB की जो हार्ड है वो देखने के लिए मिलेगी, तो हार्ड को भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो हार्ड भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, इसको मैं अभी ऐसे ही रख देता हूँ। और हमारा एक कार्ड आ जाता है जो कि 4 GB DDR3 128 बिट का है, तो इसको भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। R7 350 है ये, तो कार्ड भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। ये i5 सेकंड जनरेशन है, 128 SSD है, 500 GB हार्ड है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है, 16 GB की रैम है। अब ये PC आपकी काफी ज्यादा गेम्स को हैंडल कर लेगा। अभी हम आगे चल के चेक भी करेंगे कि ये गेम्स कैसे चलाता है। PUBG, फ्री फायर, ये सब गेम्स इसके ऊपर बहुत ही अच्छी चलेंगी क्योंकि कार्ड अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप इसको i7 सेकंड के अंदर अपग्रेड कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर इसका कार्ड अपग्रेड कर लेते हो तो ये और भी अच्छी बात है। आप इसको 4 GB DDR3 की बजाय 4 GB DDR5 128 बिट वाला कार्ड लगाते हो तो उसकी परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अब इस PC के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसे ना कि अगर आपको एक डील मिल रही है एक बहुत ही कम प्राइस में तो उसमें जो भी चीज है वो आपको ओके बतानी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वैसे हम लोग कोई भी कंप्यूटर जो है उसको ऑन करते हैं तो उसको ऑन करने के अंदर वो तकरीबन जब हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो पावर देने में 5 से 6 सेकंड लगाता है। लेकिन इस PC का मसला ये है कि ये तकरीबन 15 से 20 सेकंड ले लेता है। लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ शायद इसका बूट टाइम ही ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको अपने PC को बूट करने में। बाकी उसके अलावा कोई मसला नहीं है, बोर्ड ओके है, सप्लाई ओके है, सब कुछ ओके है इसका। सिर्फ ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले डील में लगा देता हूँ। अगर किसी की रेंज कम है तो उसको कम रेंज के अंदर एक अच्छा PC मिल जाएगा। गेम्स का सारा टेस्ट जो हम आगे कर चल के चेक कर लेंगे। मैं जल्दी से इसकी विंडो कर लेता हूँ, ड्राइवर्स कर लेता हूँ और सारी अच्छी गेम्स इसके अंदर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार फाइनली जो हमारा PC है वो ऑन हो चुका है और चीजें हमने वही लगाई थी। सबसे पहले मैं चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप ये यहाँ पर चेक कर लो कि कोर i5 सेकेंड जनरेशन है, 3.10 GHz के प्रोसेसर के साथ और 16 GB ऑफ रैम है। अगर हम लोग बात करें जाकर अपने ग्राफिक कार्ड के बारे में, R7 350X ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर R7 350X लगा हुआ है जो कि ग्राफिक कार्ड है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर हमारी गेम्स वर्क करेंगी या नहीं करेंगी 16 GB DDR3 रैम के साथ। तो सबसे पहले मैं फ्रोजा होरिजन 5 को प्ले कर लेता हूँ। गेम अगर ऑन होती है, सही चलती है, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार गेम तो बड़ी चल पड़ी है इसके ऊपर। तो खैर अगर हम थोड़ी सी चला के चेक कर लें
तो अभी हम लोग बैक करते हैं भाई, गाड़ियाँ शाड़ियाँ आपका भाई नहीं ले रहा, इससे हम लोग कैसे करेंगे जी, ए ड्राइव पे कर लेते हैं जी क्लिक। ओके, तो ड्राइव पे हमने क्लिक कर लिया है, ये कम ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है, 1024x768 के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया, लेकिन अब चेक करते हैं अगर ये गेम चल गई तो कमाल हो जाएगा यार, मतलब कि कार्ड ही सिर्फ अच्छा चाहिए आपको। और यार ये तो बड़ी जबरदस्त चल रही है गेम, ओके यार एक बार ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं इसके। अच्छा 1600x900 के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन गेम अच्छी चल रही है, ग्राफिक फिट आ रहे हैं, मस्त गेम चल रही है, इसको कर देते हैं बंद ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ और हम लोग टी लॉन्चर को ऑन कर लेते हैं, टी लॉन्चर जैसे ही ऑन होता है मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार गेम हमारी ऑन हो चुकी है और मुझे पता है ये गेम इसमें काफी ज्यादा मजेदार चलने वाली है, क्योंकि सब कुछ ही अच्छा लगा हुआ है आपका इसके अंदर। तो चेक कर लेते हैं जल्दी से, एक बूट हो जाए, बूट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है गेम, तो हो गया। ओके जी, तो इसमें हम पानी के अंदर थे शायद, ऊपर निकले। ओके जी, अच्छा एक चीज मैंने देखी है वैसे जी, जो टी लॉन्चर है ना ये शायद क्रैश हो जाता है या पता नहीं क्या मसला है, ये काफी गेम ना हैंग करके चलाता है, हालांकि इसके ग्राफिक्स भी इतने हाई लेवल पे, अब ये देखो ये लैग कर रहा है लेकिन अब ठीक हो गया। अच्छा इसको अगर मैं चेक करके आपको दिखा दूं ना इसके FPS वगैरह, तो यहाँ पर आप देख लो मैंने सबसे लो ग्राफिक्स पे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो मेरी गेम है ना उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि स्पेक्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बार दिखाना चाह रहा था कि आप लोग चेक कर लो। अगर मैं इसके ग्राफिक्स की बात करूँ तो आप ये देखो कि मैंने, अच्छा नहीं नहीं ये तो फुल फुल हुए हैं, इतने मैंने किए नहीं थे, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। ओके जी, तो गेम मुझे लग रहा है कि हैंग हो गई है शायद, डन करें। ओके जी डन कर लिया। ओके अब FPS वगैरह ऊपर उठे, अब चेक कर लेते हैं जरा हम लोग, अभी भी है लैग, ये मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम है गेम का। अभी देखो यार ये बड़ी जल्दी नहीं खोद रहा, ये क्या चीज मिल गई है मुझे ऐसे जिसकी वजह से जल्दी खोद रहा है। ये क्या ब्लैक डायमंड है? यार ये थी माइनक्राफ्ट भी, और माइनक्राफ्ट अच्छी चल रही थी, इस हिसाब से सारी गेम्स, अगर फ्रोजा हॉरिजन गेम चल रही है तो ये सारी गेम्स वैसे ही चल जाएंगी। तो यार अगर हम इतने अच्छे PC की बात करें तो ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 16 GB रैम मिल रही है, 128 SSD मिल रही है, 500 GB हार्ड मिल रही है, 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, i5 2nd जनरेशन मिल रही है। तो यार मेरे ख्याल में अगर आप ये बाय करते हो तो बेस्ट फॉर गेमिंग PC हो सकता है। आपका इस PC के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये सिर्फ रमजान ऑफर्स की वजह से मैंने डील आप लोगों के लिए लगाई हुई है, अगर रमजान ना होता तो आप लोग के लिए ये कम से कम भी PC 30 से 35 हज़ार रुपये में होता। वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रमजान के अंदर ऐसी डील्स आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।